अगर आपको पहाड़ पसंद है और नेचर से प्यार है तो ये वीडियो आपके लिए है। गाइस, इट्स मी चयान, यू वाचिंग सबर फॉग यूट्यूब चैनल। ये कहानी तो पुरानी है लेकिन इसके विजुअल आज भी मेरे माइंड में घूमते रहते हैं। एक पहाड़ी जो बहुत ज़्यादा फेमस है लेकिन वहाँ पर आप अकेले जाना चाहते हो, इट्स लाइक अ ड्रीम, लेकिन ये ड्रीम मेरा पूरा हो चुका है। कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। तो अभी हम फिलहाल मुतनूर के रास्ते पर हैं। रास्ते काफ़ी सही है और आज का वेदर भी कमाल का है। और बाकी सब देखो यार, जो नज़ारे हैं अभी बरसात के टाइम के जो नज़ारे हैं तो होते हैं ना, काफ़ी सही होते हैं, हाई काची होते हैं। और देखो क्या नज़ारे। तो चलिए मिलते हैं अभी मुतनूर में। देखिए, सफ़र की शुरुआत हमने की थी चंद्रपुर से, और चंद्रपुर से पहुँचे हम मूल, मूल से पहुँचे चामुर्शी, और चामुर्शी से पहुँचे तलोदी मोकासा, और फाइनली हम पहुँच गए मुतनूर टेम्पल। देखिए, मुतनूर टेम्पल का या मुतनूर ट्रैक का ये मुतनूर गाँव को लग के ही है। और अगर आप फर्स्ट स्टेप जा रहे हो चंद्रपुर से तो इस चार पॉइंट को आपको याद रखना है। अगर आप दूसरी जगह से जा रहे हो तो आपको ये बीच वाला जो है तलोदी मौका से आपको याद रखना है। गांव के बीचों बीच से कुछ अच्छे नज़ारे देखते हुए, हाँ रास्ता तो काफ़ी अच्छा नहीं, ख़राब है और कुछ अच्छे हैं, तो ये एक्सपीरियंस लेते हुए आप पहुँचोगे फाइनली मुतनूर ट्रैक के पास। और ये हो रहा है मेरा सोलो ट्रैकिंग, एक्सपेक्ट नहीं किया था बट हो रहा है। गांव के बंदे बता रहे थे कोई दिक्कत नहीं भाई, जा सकते हो। हाँ, अगर शाम का वक्त होता तो हम नहीं बोलते थे, लेकिन आप जा सकते हो बोले। मैंने बोला ठीक है भाई, चलते हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं बैग पैक करके ट्रेनिंग ले रहा हूँ। मुझे भी करना था, मैं भी सोच रहा था कि भाई ट्रेनिंग किया जाए, तो जो आप सोचते हो जाता है। हाँ, सेम फीलिंग आ रही है क्योंकि मेरे पास पूरा बैकपैक का सामान है, पीछे पूरे जितने सामान चाहिए, कपड़े चाहिए, क्या क्या ट्रैवलिंग के समय ज़रूरत है, सभी भर के रखा है मैंने। और मैं पहाड़ी चढ़ रहा हूँ, अगर मैं पहाड़ी चढ़ जाता हूँ अच्छी तरीके से, इट्स मीन मैं पास हो गया। यहाँ पर मैं एग्ज़ाम देने वाला, खुद में लेने वाला, खुद में मोटिवेट करने वाला, खुद में सब कुछ अपन ही है। कभी कभी तो लगता है कि अपने भगवान है। ऐसे जोक मारते रहो, हौसला बढ़ता है। ओके, ये मेरे पीछे है शिव जी की मूर्ति, ये ट्रैकिंग के बीचों बीच गिरता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया अपना पहला स्टॉप, थोड़ा सा पानी वगैरह पी के, अपने आप को एनर्जिक और थोड़ा सा हिम्मत देकर हम जाएंगे, क्योंकि आधा दूरी बचा है, ज़्यादा दूर नहीं है, टॉप में पहुँचना है। मेहनत तो करना पड़ेगा हर चीज़ में, हर चीज़ में ऐसा होता है कि टॉप में पहुँचना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। और बाकी पिछले टाइम जब मैं आया था तो शिवजी की जो मूर्ति थी पूरा रंगाया हुआ था, मतलब होली टाइप खेला हुआ था। और मैंने उस टाइम बोला था कि भाई ऐसा करोगे तो कैसा जमेगा, भगवान है, कुछ होली नहीं खेलना चाहते हर दिन, ठीक है। तो अभी हाल कुछ ऐसा है, पूरा क्लीन, शायद लोग नहीं आ रहे इसी वजह से या दूसरा कोई वजह, लेकिन अपने को देख के अच्छा लग रहा है। जो अपने को चाहिए वो देखने को मिल रहा है तो दिल खुश हो गया। और चलते आगे, अभी स्टार्ट होने वाला है जो रियल ट्रैकिंग। वो कैसे, ये पूरे पथरीले हैं और इनके ऊपर हमें चढ़ के जाना है।
मजाक कर रहे हो? ऐसे मैं पहले भी आ चुका हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं है। ऐसे ट्रैकिंग तो चालू हो गया, बैकग्राउंड में देखो कमाल का व्यू है, मेरे आँखें जहाँ तक जा रही वहाँ का व्यू तो मैं आपको बता नहीं सकता कैमरे के थ्रू। अगर आपको देखना है तो थोड़ा सा अपना जो इंटरनेट है जो हाई क्वालिटी पे सेट करो तो आपको बैकग्राउंड में दिखेगा कम सही नज़ारे यार। वो और कुछ दूरी पार करना है, मंजिल सामने पास है। अभी दो चढ़ी पहले थी, सबसे पहले चढ़ाई थी सीढ़ियों की, उसके बाद गिट्टी टाइप की छोटे छोटे पत्थर थे, मतलब प्लेन था लगी, लेकिन अभी हमको मिला है पूरी खड़ी चढ़ाई। ये नीचे से देखो, यहाँ से हम आए, यह है पूरी खड़ी चढ़ाई, अब मंजिल काफ़ी पास में, और इधर नज़ारे, लुक एट द व्यू, जहाँ तक देख सकते हो कमाल के नज़ारे। अब और भी बाकी है, पहले हम पहुंच गए मुतनूर के आज आखिरी टॉप पर, और यहाँ से जो नज़ारे थे ना मैं आपको बयां नहीं कर सकता, बस एक चीज़ बोल सकता हूँ कि आंखों से सीधा दिल में उतर गया, क्योंकि परफेक्ट वेदर और नेचर का कॉम्बिनेशन मुझे आज दिखा। और इस जंगल से जो पक्षियों की आवाज़ आ रही है ना, सुकून भरा है यार, मैं बयां नहीं कर सकता। मोर की भी आवाज़ आ रही है, काफ़ी सही लग रहा है, और बादल भी हो चुके हैं, बारिश भी थोड़ी थोड़ी चालू हो। यहाँ पर शिवलिंग रखी है, यहाँ पर ये नज़ारे, और यहाँ पर शिव जी की एक मूर्ति रखी है जो काफ़ी सही है, सही में शिव जी की मूर्ति रखी है। और यहाँ का व्यू, मौसम आज मतलब सब मेरे साथ है, ऐसा लग रहा है मुझे कमाल का, सही है कमाल की हवा चल रही है, अभी कमाल का वेदर हो चुका है, मैं आपको बता नहीं सकता, फील नहीं कर सकते जो मैं फील कर रहा हूँ कमाल का। इतने पहाड़ियों के ऊपर, इतने मतलब इतनी ऊंचाई में चढ़कर, इतनी मेहनत के बाद जो यहाँ पर हवाएं चल रही है, और मौसम देख रहे हो, हाँ भाई ये भी पता है कि बारिश का मौसम हो चुका है, मुझे भीग जाने का डर है, लेकिन भाई वो अलग चीज़ है, और इसका एक्सपीरियंस जो है वो अलग चीज़ है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता जो खुशी मुझे हो रही है, अनबिलीवेबल। हाँ थैंक यू, यस
आई एम हैप्पी, सो हैप्पी, बहुत खुश हूँ मैं आज यहाँ पर आके। काफ़ी कुछ है देखो साइड, ये यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर मंदिर है शिव जी के ऊपर में आपको देखने में मिलेंगे, और यहाँ का व्यू साइड का व्यू, यहाँ पे गांव भी है और यहाँ पर पास में काफ़ी सारे पहाड़ियाँ हैं। जैसे ही यहाँ पर बारिश होती है कुछ एक दो महीने, उसके बाद नीचे से एक झरना टाइप बन जाता है, आपको झरना का भी मिल सकता है आनंद, लेकिन अभी मैं नहीं, अभी मैं स्टार्टिंग में आया हूँ इसलिए झरना का कोई सीन नहीं है। बाकी यार कसम से ये जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना, मैं बता नहीं सकता आपको कमाल का है। यार मैं नहीं जाना चाहता यहाँ से, अभी के लिए तो नहीं जाना चाहता, भीग जाओ तो भी चलेगा, दिल ऐसा बोल रहा है अंदर की। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो चीज़ आपको पसंद हो, बहुत ज़्यादा पसंद हो, और अचानक आपके सामने आ जाए और आपकी बोलती बंद हो जाए, आप क्या बोल रहे हो कुछ समझ में नहीं आए, आप उल्टी सीधी बातें बोलना चालू करते हो, तो शायद कुछ आज मेरे साथ भी ऐसा हुआ। ऐसे तो मैं क्लिप रखता नहीं हूँ, लेकिन सोचा कि यार जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, जो मैं बोला हूँ वो आपको बताया जाए, जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है उस जगह पर जाकर।